हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 50 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करेंट लेवल पर 128 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक में नीचे का एक बॉटम बना 120 रुपीज का। 120 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और यहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला। ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 131 रुपीज पर और स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर ऊपर में जो स्टॉक में रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज का काम कर रही है और नीचे ग्रीन कलर की जो नेक लाइन है ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बना रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे का 120 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखे और ऊपर के टारगेट अराउंड 155 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 131 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर में क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। पर स्टॉक अगर बाय चांस 120 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजिशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।